महोदय, यह तय कर पाना मुश्किल है कि भ्रष्टाचार की कामयाबी के लिए लोकतंत्र आवश्यक है या फिर लोकतंत्र की सफलता के लिए भ्रष्टाचार अनिवार्य है। भारतीय लोकतंत्र बहुत कुछ इस दिशा में बढ़ चुका है, यहाँ तक कि अब इससे पीछे हटना हमारी व्यवस्था विशेषकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कठिन लगता है। पिछले 7 वर्षों में कई रिकॉर्ड टूटे हैं और बहुत से रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। करीब करीब हर आरोपी व्यक्ति ने तमाम व्यवस्था की पोल खोलने की चेतावनी भी दी है। ऐसा नहीं कि यह चेतावनी बेकार या व्यर्थ गई है, बल्कि लगभग सभी मामलों में ऐसी चुनौतियां काफ़ी कारगर साबित हुई हैं। यदि मिसाल पर जाएं तो हर्षद मेहता से लेकर भंसाली और अमीर भाई जैसी बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं। भ्रष्टाचार को यदि श्रृंखलाबद्ध किया जाए तो आज तक कोई भी श्रृंखला टूटती दिखाई नहीं पड़ती है। आज हालात ऐसे बन गए हैं कि संसद से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी अपनी चिंता प्रकट कर रहे हैं। कई बार तो हमारे राजनेता अपने देश में फैलते भ्रष्टाचार पर यह कहकर पर्दा डालते दिखाई पड़ते हैं कि भ्रष्टाचार यूरोपियन देशों में भी कम नहीं है। यह कहना कठिन है कि हमारे राजनेता ऐसी दलीलों के जरिए लोकतंत्र में भ्रष्टाचार का औचित्य स्थापित करना चाहते हैं या फिर इसे लोकतंत्र की आवश्यक बुराई के रूप में पेश कर रहे हैं। यह माना कि भ्रष्टाचार अब इतना घिसा पिटा मुद्दा हो गया है कि इस पर कलम भी अपना असर खो चुकी है, लेकिन यदि भ्रष्टाचार सार्वभौमिक है या लोकतंत्र का अविभाज्य अंग है तो फिर इसका लाभ देश के हर तबके को मिलना चाहिए। पाठक प्रश्न कर सकते हैं कि इस देश के लिए कोई राशन कार्ड जारी किए जाने की व्यवस्था है या इस पर कोई विचार हो रहा है। अब तक लोकतंत्र और भ्रष्टाचार के निकट संबंधों को देखते हुए मैं इस चीज़ पर पहुंचा हूं कि भ्रष्टाचार को अधिकार के रूप में मांगना या फिर इसके लिए आंदोलन करना लोकतांत्रिक नहीं ठहराया जा सकता है। जबकि यह देश के कई हिस्सों में परोक्ष रूप से मौलिक अधिकार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यह अधिकार लिखित रूप में ना किसी सरकार ने दिया है और ना ही आगे कोई सरकार इस दिशा में ऐसी कोशिश करेगी। संपूर्ण साक्षरता की इस रूपरेखा पर सरसरी तौर से विचार करने पर कुछ बिंदु साफ उभर कर आते हैं।
महोदय, जो लोग देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, शायद वे बेहतर जानते हैं कि वह अधिकार यानी भ्रष्टाचार का अधिकार दिए जाने का विषय नहीं है, बल्कि लिए जाने का विषय है। बिहार और उत्तर प्रदेश में हर चीज़ लोकतांत्रिक है और संवैधानिक भी। कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में व्याप्त लोकतंत्र और व्यवस्था से ना तो सरकार अनभिज्ञ है और ना ही संसद। फिर दक्षिण भारत के राज्यों पर जाएं तो पिछले 7 वर्षों में 70% बैंक घोटालों की कुछ प्राथमिक कड़ियां इन्हीं राज्यों में मिली हैं। प्रश्न यह नहीं है कि देश के किस हिस्से में भ्रष्टाचार कम है और किस हिस्से में ज़्यादा, बल्कि प्रश्न यह है कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में भ्रष्टाचार की लोकप्रियता किस हिस्से में कम है। यदि इस विषय पर एक सर्वेक्षण कराया जाए तो लोकतंत्र के मुकाबले में भ्रष्टाचार की लोकप्रियता कहीं ज़्यादा दर्ज हो सकती है। कई बार राजनेताओं को कहते सुना है कि लोकप्रिय सरकार को कौन हटा सकता है या बर्खास्त कर सकता है। इस अर्थ में यदि किसी सरकार की लोकप्रियता आंकी जाए तो बिहार जैसे राज्य में जो सरकार जितनी लोकप्रिय होगी उतनी ही मजबूत होगी। यानी लोकप्रियता यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली शर्त है तो भ्रष्टाचार को लोकतांत्रिक व्यवस्था से अलग करना आसान नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने समय समय पर जनता की अदालत में शायद जाने का आह्वान किया था। इसका सीधा मतलब यही था कि उन्हें प्रशासनिक व्यवस्था या न्यायिक अदालत में शायद विश्वास नहीं है। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वास्तव में जनता होती है, और यदि जन अदालत बनाम न्यायिक अदालत का मामला हो जाए तो वास्तव में कानून और व्यवस्था का बहुत भारी सवाल खड़ा हो जाता है। इसके अर्थ यह भी नहीं कि न्यायिक अदालत भ्रष्टाचार को कानूनी अधिकार के रूप में पेश कर सकती है, लेकिन कोई भी मामला सच भी हो और झूठ भी हो, यह कैसे हो सकता है? भारतीय लोकतंत्र कितना सच्चा है और कितना झूठा, आज यह तय करने का समय आ गया है। लेकिन यह प्रश्न देश के चंद बुद्धिजीवियों पर अब और अधिक नहीं छोड़ा जा सकता। इसका निर्णय जनता को ही करना है। जनता को यह समझना होगा कि कोई भी सरकार उसकी इच्छा के विरुद्ध गठित नहीं हो सकती है। वास्तव में यह अनुच्छेद जो भी भाषा प्रकरण का अंतिम अनुच्छेद है, भारत की भाषा समस्या के निरंतर समाधान के लिए प्रशस्त और प्रशस्य भारत वाक्य की भूमिका निभाता है। अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग किस क्रम से और किस गति से आगे बढ़ाया जा सकता है, और राष्ट्र की प्रत्येक भाषा की हिंदी के
विकास में किस प्रकार सहभागिता प्राप्त की जा सकती है।